सो हेलो गाइस, तो सबसे बहुत ही अच्छा। तो भाई अभी मैं आपको ऐसे पांच आइटम्स के बारे में बताऊंगा जो कि भाई एक टाइम में बीआर में तो अवेलेबल हुआ करता था, लेकिन अभी उसका नाव में निशान आपको देखने को नहीं मिलता है। तो भाई बेसिकली यहाँ पर बीआर रैंक की मैं बात नहीं करूँगा, चाहे वो बीआर रैंक हो या फिर बीआर क्लासिक हो, जो भी चीज़ें मुझे पसंद आया था, मतलब थोड़ा सा यूनिक लगा था, तो उसके बारे में टॉप फाइव मैं आपको इस वाले वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले भाई फाइव नंबर की बात कर लेते हैं। तो आपको रेड जोन पता होगा, ब्लू जोन पता होगा, लेकिन आपने ग्रीन जोन देखा है? तो भाई एक टाइम में ग्रीन जोन बीआर में अवेलेबल हुआ करता था। बेसिकली ग्रीन जोन से होता यह था कि आपको थोड़ा थोड़ा करके डैमेज पड़ता था। अभी कितना पड़ता था भाई वो तो मुझे याद नहीं है, शायद एक दो करके शायद डैमेज पड़ता था। एंड आपका जो वेस्ट है, हेलमेट है, वो भी डैमेज होता रहता था। तो यहाँ पर कुछ टाइम तक वो रहता था, जैसे रेड जोन रहता है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक रहता था। लेकिन चाहे जहाँ पर भी आप रहो, घर के अंदर घर के बाहर, आपको थोड़ा सा करके डैमेज पड़ता था पर सेकंड, एंड पर सेकंड आपका जो वेस्ट है वो भी डैमेज होता रहता था। तो बंदे को उतना ज़्यादा पसंद ये नहीं आया, एंड मतलब इरिटेटिंग सा फील होता था। भाई मैंने भी खेला था उस टाइम, मेरे पास वीडियो नहीं है, तो मैंने भी खेला था उस टाइम। तो बहुत से लोगों ने उस टाइम खेला था, जिन लोगों ने खेला था भाई कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कैसा लगा था उस टाइम। एंड ये ज़्यादा देर तक नहीं था वीआर में, बहुत कम टाइम तक था, लगभग शायद एक ही अपडेट तक जहाँ तक मुझे याद है। और जितनी सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, मतलब टॉप फाइव चीज़ें, सबसे कम बीआर में यही था। एंड नेक्स्ट बात करते हैं नंबर फोर की। तो यहाँ पर भाई सर्व बोर्ड जो आपको अभी देखने को मिलता है ट्रेनिंग ग्राउंड में, मतलब जो सोचता राइडर में, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, लेकिन कभी ये सबसे पहले बीआर में अवेलेबल हुआ करता था। जहाँ तक मुझे याद है भाई बीआर क्लासिक में अवेलेबल हुआ करता था। एंड इसके अंदर भाई बहुत सारे ग्लिच आए थे इसके अंदर, पता है, बहुत सारे ग्लिच आए थे। इनविजिबल ग्लिच आया था इसके ऊपर, एंड इसके ऊपर ऊपर चढ़ने वाला, मतलब हवा में ऐसे आपको ऊपर भेजता रहता था, या फिर बहुत सारे ग्लिच आया था भाई इसके ऊपर। तो इसके कारण भी शायद से इसको गेम से हटा दिया गया था, एंड बंदे इसको कुछ खास यूज़ नहीं करते थे। मतलब इसका जो कंट्रोल है ना, वो थोड़ा सा अजीब था, मतलब जैसे हम लोग दौड़ते या फिर वो मतलब भागते भागते हैं ना, तो उसके तुलना में इसका जो कंट्रोल है वो थोड़ा सा अजीब ही था, तो इसलिए बंदे उसको उतना यूज़ नहीं करते थे। तो इसलिए अभी ये पूरी तरीके से हटा दिया गया है, एंड जो सोशल आइलैंड में वहाँ पर इसको डाल दिया गया है। एंड भाई नंबर थ्री की बात करते, तो यहाँ पर सबसे पहले जो नाम आता है भाई वो हाल ही में गया है, ऑयल ड्रम या फिर ऑयल बैरल, रेड ड्रम जो भी आप उसको बोलते हो। एंड बेसिकली इसका जो कारण है, मतलब इसके पीछे का जो कारण है इसको हटाने का, तो ये आया था भाई 2018 में, बहुत पहले आया था, एंड भाई बहुत दिन तक रहा ये गेम में। एंड इसका जो मेन मकसद था ना, वो था कि भाई बंदे को थोड़ा सा डराना, आप इसके आसपास जाने से थोड़ा सा डरते थे कि कोई इसको फोड़ ना दे और हम मर ना जाए, एनिमी वगैरह इसको फोड़ देते थे बहुत से टाइम। लेकिन भाई मैक्सिमम टाइम अपने खुद की टीममेट इसको फोड़ता था, एंड आप नॉकडाउन हो जाते थे, या फिर आप किसी के ऊपर इसको यूज़ करते थे, तो ऐसा होता था। एंड आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैक्सिमम बंदे के साथ ऐसा हुआ है। तो बेसिकली इसका जो मेन मकसद था कि बंदे को थोड़ा सा डराना, तो वो तो उतना काम नहीं दिया अभी तक, क्योंकि भाई बंदे पहले इसको फोड़ देते थे, उसके बाद यहाँ पर जाके लूट करते थे, तो उतना कुछ फ़ायदेमंद ये नहीं था। एंड इससे ज़्यादा फ़ायदा तो वो लोग यूज़ करते थे, मतलब पता ही आपको, बंदे ड्रैम डैमेज देते थे, मतलब जो लोग रैम कुछ करते थे इसको यूज़ करते थे ताकि ज़्यादा प्लस मिले, एंड माइनस होने पर भी उतना ज़्यादा माइनस हमारा ना लगे। तो देखा जाए तो भाई इसका जो मेन मकसद था गेम में रहने का, उसको छोड़ के इसको कुछ और ही, मतलब गलत तो में इसको बंदे यूज़ करते थे, तो इसीलिए इसको भाई पूरी तरीके से गेम से हटा दिया गया। एंड बंदे मैं सच्ची बता दूँ तो कोई इसको उतना मिस भी नहीं करता, मैंने भाई ऐसा कमेंट भी नहीं देखा कि वायल वेडल को क्यों हटा दिया गया या फिर हम लोग इसको बहुत मिस कर रहे हैं, ऐसा कुछ कमेंट भी मुझे आज तक देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर भाई नेक्स्ट बात करते हैं नंबर टू की। तो यहाँ पर एयरशिप जो कि रिसेंटली, बहुत ज़्यादा भाई रिसेंटली गेम से इसको हटा दिया गया। तो जब ये पहले आया था भाई बहुत टाइम हो गया, तो ये बेसिकली ऊपर से हमारा जो लूट है वो ड्रॉप करता था, एंड हम लोगों को लूट मिलता था, जगह जगह पर ये जाता था एंड लूट ड्रॉप करता था। लेकिन उसके बाद, मतलब बहुत बाद, यहाँ पर रिसेंटली इसको मॉडिफाई करके इस पर ज़िपलाइन अटैच कर दिया गया था, एंड जगह जगह पर ये जाता था एंड ज़िपलाइन नीचे आता था, एंड बंदे ऊपर जाते थे एंड वहाँ पर एक एक्सरसाइज रहता था एंड लूट वगैरह करते थे, आपको पता ही होगा रिसेंटली ये किया गया था। एंड मैक्सिमम प्लेयर्स भाई इसको लूट से ज़्यादा कैंपिंग करने के लिए यूज़ करने लगे। तो इसी कारण, मतलब एक थोड़ा सा कारण है, मेन कारण मैं आपको बताता हूँ, सुनो। तो यहाँ पर आपको पता होगा, उसके बाद मतलब एयर से आने के बाद यहाँ पर लेवल थ्री का ड्रॉप आया, मतलब आपको पता ही होगा 1 2 3 आपको ड्रॉप जो है एक मिलता है, तो वहाँ पर बहुत सारा कुछ आपको मिलता है, अच्छे अच्छे लूट मिलता है। एंड उसके बाद आया अर्सनल, आपको पता ही होगा जो जगह जगह पर है, आपको की दे के खोलना पड़ता है एंड बहुत सारा लूट अंदर से मिलता है।
तो मेन जो एयरशिप का कारण था मतलब लाने का गेम में, वो था कि लूट आपको जगह जगह पर देना, लेकिन उसके बहुत सारे बड़े भाई गेम में आ गए, मतलब यहाँ पर अर्सनल आ गया, फिर लेवल 3 का ड्रॉप आ गया, तो इसीलिए गए वालों को ऐसा लगा कि भाई एयरशिप का जो मेन मकसद था मतलब हमको लूट देना, तो भाई वो तो लूट देता ही था, लेकिन उससे अच्छा लूट अभी कहीं और से भी हमको मिल सकता है, तो इसीलिए उसको हटा दिया गया। लेकिन मैं पर्सनली मेरी बात बताऊँ तो यहाँ पर भाई एयरशिप मुझे पसंद था, इसलिए नहीं कि वो हमें लूट देता था, इसलिए भाई कि वो कुछ अजीब सा ही था, मतलब यूनिक सा एक चीज़ था जो जगह जगह पर जाता था, हम लोगों को लूट देता था, मस्त मज़ा सा आता था, लेकिन भाई पता नहीं कि उसको हटा दिया गया, गरीब वालों की यहाँ पर कुछ और ही चलता है। तो आप लोग मुझे कल बताना कि आपको एयरशिप का जो हटाना है वो कैसे लगा। एंड नंबर वन की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर किसको नहीं पता ग्लाइडर, तो ग्लाइडर भाई पहले तो क्लासिक में अवेलेबल हुआ करता था, एंड उसके बाद बीआर रैंक में भी ये अवेलेबल किया गया, एंड बहुत सारे बंदे इसको यूज़ करके इधर उधर चर के बैठे रहते थे, एंड उसके बाद मतलब कुछ टाइम तक ये बीआर रैंक में भी था, एंड अचानक से बीआर क्लासिक से भी इसको हटा दिया गया, एंड बीआर रैंक से भी हटा दिया गया। पता नहीं भाई ऐसा क्यों किया, बीआर रैंक से हटाओ चलो ठीक है, क्लासिक में तो कम से कम इसको रखो, लेकिन पता नहीं भाई पूरे जगह से इसको हटा दिया गया है। एंड यहाँ पर अभी आपको कहाँ पर ये मिलेगा पता है, अभी आपको ये मिलेगा क्रैपलैंड में, तो अगर आपको यूज़ करना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप लोग मतलब खेल सकते हो, मतलब ग्लाइडर यूज़ कर सकते हो बेसिकली। तो यहाँ पर भाई इसको हटाने के बाद मतलब बंदे जब बोलने लगे ग्लाइडर बैकलॉग ग्लाइडर बैकलॉग, तो इन लोगों ने एक चीज़ किया, ग्लाइडर की जगह यहाँ पर एक लॉन्च पैड बैग ला दिया, जिसकी मदद से आप इधर उधर चढ़ तो सकते हो, लेकिन भाई वो वाइब हमें नहीं मिलता जो ग्लाइडर से मिलता था। सभी को पता है भाई कि मतलब ग्लाइडर से भी हम लोग इधर उधर चल सकते थे, एंड इसकी मदद से भी चल सकते हैं, मतलब जो हमें मिलता है छोटा सा इधर लगाते हो एंड कहीं पर आप चढ़ जाते हो, माना कि ये जो है ज़्यादा एक्यूरेसी वाला है, मतलब कि कहीं से भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ग्लाइडर बेस्ट था हमारे हिसाब से। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या लगता है, एंड पार्ट टू में आपको क्या कुछ देखना है वो मुझे आप कमेंट करके बताना, जिसमें ज़्यादा लाइक्स आएगा मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, पूरा बैक स्टोरी एंड किसके कारण इसको हटाएगा सारा कुछ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलो मैं मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना।